हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं मसूर वाले चावल यानी मसूर अखनी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ऐसी रेसिपी शायद ही आपने कभी देखी होगी। चलिए देख लेते हैं। मैंने हाफ कप मसूर ली थी और इसे पहले हम बॉईल करने के लिए रख देंगे, धो के अच्छे से दो तीन पानी में। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ग्लास जितना चावल यानी राइस। इसे अच्छी तरह से वॉश करके 15 मिनट के लिए हम सोक करके रख देंगे। साइज़ मैंने इस साइज़ का लिया है। जब तक हमारे राइस सोक होते हैं तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच जितना घी। घी थोड़ा सा गर्म होगा और मेल्ट होगा तब तक मैं आपको गरम मसाले बता देती हूँ। 1 चम्मच है जीरा, 2 इलायची, 3 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 1 तेज पत्ता, ये स्टार अनीस का छोटा सा पीस लिया है और 7 से 8 साबुत काली मिर्च। इन सभी गरम मसालों को साबुत गरम मसालों को हम घी में डाल देंगे और कुछ देर के लिए रोस्ट करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। गरम मसाले थोड़े से फ्लटर हो जाए यानी थोड़े से इसके अंदर रोस्ट हो जाए, इसके बाद में हम इसके नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप जितना पानी, ये 1 ग्लास पानी है। इसके साथ मैं और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, हमारे चावलों के लिए इतना पानी बस होगा क्योंकि हमें चावल पूरी तरह से नहीं पकाने हैं, 70% पकाने हैं, तो बस हम उस हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। और हमने 15 मिनट ऑलरेडी चावल को सोक किया है तो इस हिसाब से हमें पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ मैंने डाला है 1 चम्मच जितना नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। अब यहाँ पर हम पानी में बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हो मैंने राइस को इस गैस पर रखा है और पीछे ही हमारा मसूर भी उबलने लगा है, तो आप ऐसे ही मल्टीटास्क कर सकते हो, दोनों चीज़ें एक साथ भी पक सकती है। पानी हमारा राइस के लिए उबल चुका है, अब इसके अंदर हम जो हमारे सोक्ड राइस थे उसे डाल देंगे। अच्छी तरह से डालने के बाद एक दो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चावलों को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा नींबू भी डाल दे रही हूँ। नींबू डालने से चावल के जो दाने हैं वो खिले खिले बनेंगे, तो नींबू डालना ज़रूरी है। थोड़ा सा नींबू डालने के बाद एक मिक्स कर लीजिए और चावलों को कुछ देर के लिए पकने दीजिए। 5 से 7 मिनट बाद चावल 70 to 80% पक जाएंगे, उस समय पर हम चावलों को निकाल लेंगे। देखिए इसमें अच्छा खासा उबाल आ चुका है और थोड़ा सा ही पानी बचा है। इस समय पर मैं इसे कुछ इस तरह से ढक रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर निकले स्टीम और बाकी स्टीम अंदर रहे। इसके बाद इसका पानी कम हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा पानी हम निकाल भी लेंगे और चावल हमारे रेडी हैं। इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब देखिए मसूर भी हमारे उबलने लगे हैं और मसूर को उबलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पकने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में ये उबल के अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसमें से पानी निकाल के इसे छान के रख दीजिए। अब यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं 2 से 3 चम्मच डालूँगी तेल। और सबसे पहले मैंने कुछ आलू रखे हैं। आलू को अच्छी तरह से पील कर लीजिए और उसे 2 से 4 पीसेस में कट करिए। आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको आलू ज़्यादा खाना पसंद है तो आप 1 नहीं 2 आलू ले लीजिए इस रेसिपी में। मैं यहाँ पर 1 आलू को 4 पीसेस में कट करके पहले इसे फ्राई कर ले रही हूँ और इसके साथ मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अच्छी तरह से नमक डाल दूँगी सभी के ऊपर। इससे हमारे आलू थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और बाहर से अच्छी तरह से पक जाएंगे। अंदर से थोड़े से कच्चे रहेंगे बट इट्स ओके। इस तरह से आपको अगर आलू को पहले पकाना है और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे ऐसे तेल में थोड़ा सा फ्राई करिए, शैलो फ्राई। देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे
तो इससे ये होगा कि आलू ना बहुत ज़्यादा नरम या वैसे नहीं हो जाएंगे। ऐसे आलू रहने पर अच्छी तरह से अंदर से पक जाएंगे और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे और उसका शेप नहीं छोड़ेंगे। आलू मैंने निकाल दिए हैं, उसी पैन में तेल हमारा बरकरार रहेगा, तेल उतना रहेगा। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो थोड़ा सा और आधा चम्मच तेल डाल सकते हो। इसके साथ मैंने डाले यहाँ पर कटी हुई प्याज, ये कम से कम 2 से 3 कटी हुई प्याज है। फाइनली चॉप करिए और इसे अच्छी तरह से सॉटे करिए। 2 से 3 मिनट बाद प्याज का कलर गोल्डन होने लग जाएगा। बस आपको इस तरह से इसे सॉटे करना है। जैसे ही प्याज का कलर ऐसे गोल्डन हो जाए, हम इसमें हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ साथ डालेंगे हरी मिर्ची का पेस्ट 1/2 छोटा चम्मच। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो इसे आप बढ़ा सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर सॉटे करेंगे ताकि अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट का जो कच्चापन होता है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से थोड़ा पक जाए। तो इसे अच्छी तरह से सॉटे करिए और 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमारी गैस है। अब मैं डाल रही हूँ 1 कटा हुआ टमाटर। ये बड़ा वाला टमाटर था, अगर आपके पास छोटे टमाटर हो तो आपको 2 टमाटर चॉप कर लेने हैं अच्छी तरह से और इसे पकने देना है प्याज और सभी दूसरी इंग्रेडिएंट्स के साथ। अच्छी तरह से मिक्स होके जब तेल थोड़ा छूटने लगे तब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। इसके साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। इसके साथ डालेंगे 1 से 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना, और इस पानी की मदद से मसाले अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ी देर हम इसे ढक के पकने देंगे, 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट बाद ये अच्छी तरह से पक जाएंगे और आप देख सकते हो कि तेल छूटने लगा है, यानी मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। इस समय पर हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे शैलो फ्राई किए हुए आलू और इसके साथ साथ हमारे बॉइल्ड वाले मसूर। इन सभी को एक अच्छा मिक्स करेंगे। और इसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे, यानी फैलाकर पैन में रख देंगे। फैलाकर रखने का यही मीनिंग है कि इसे अच्छी तरह से पक जाए। इसे ढककर 2 से 3 मिनट 5 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे और आप देख सकते हो तेल पूरा छूट चुका है और ये अच्छी तरह से अभी लग रहे हैं। इस समय पर जब आपको दिखे कि तेल पूरा छूट गया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। और इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी हमारे राइस जो हमने पहले बना लिए थे। राइस को अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर देंगे और स्प्रेड आउट कर अच्छी तरह से रख देंगे कि इवनली स्प्रेड आउट करिए, मतलब हर जगह पर सेम तरह के राइस पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो गए। अब यहाँ पर मैंने पानी में कलर को, रेड फूड कलर को मिला लिया है और मैं इसे थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये स्टेप आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये चावलों के कलर के लिए है तो मैंने इसे डाला है। कुछ धनिया की पत्ती ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और ढक के इसे एकदम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट बाद आप ढक्कन खोल दीजिए। 2 से 3 मिनट बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर आप चावलों को ऐसे हटाकर देख सकते हैं। देखिए हमारे मसूर राइस बिल्कुल रेडी है, मसूर अकनी इज़ ऑल रेडी। और हम बस इसे डिश आउट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही डिफरेंट है। ये बहुत अच्छी बनती है, आप ज़रूर से ट्राई करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।